हेलो एवरीवन, आपसे क्या स्वागत है आई टॉय वर्स एंड गेम्स में। आज मैं आप सबके लिए रिव्यू करने वाला हूँ फंको पॉप अमेजिंग फैंटेसी फर्स्ट अपीयरेंस स्पाइडरमैन का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अपना फंको पॉप का स्पाइडरमैन फर्स्ट अपीयरेंस स्पाइडरमैन। तो ये मार्वल 80th ईयर से एनिवर्सरी, मैंने 80 साल जब मार्वल को हो गए थे जब से है जी। यहाँ पर स्पाइडरमैन, यहाँ पर 593 नंबर फंको पॉप का पॉप, यहाँ पर पॉप मार्वल फंको, यहाँ पर एक साइड विंडो, यहाँ पर स्पाइडरमैन लिखा हुआ, पीछे की तरफ बना हुआ बढ़िया कवर अपना अमेजिंग फैंटेसी नंबर 15 से, जो कि लग रहा है बहुत ही बढ़िया फर्स्ट अपीयरेंस अमेजिंग स्पाइडरमैन अमेजिंग फैंटेसी नंबर 15 80 ईयर्स। चलिए खोल देते हैं इसको, निकालते हैं इसको बाहर डिब्बे से। यहाँ पर यहाँ पर निकल आया अपना स्पाइडरमैन डब्बे से बाहर। तो यहाँ पर है अपना स्पाइडरमैन, इसको आप देख सकते हैं, इसको स्प्रिंग निकाल लेते हैं, निकल या सिम सिम। तो यहाँ पर है अपना स्पाइडरमैन अपने पैकेट से बाहर, इसको आप देख सकते हैं क्या बढ़िया लग रहा है। इसमें बढ़िया सेल सीडिंग दी गई है, यहाँ पर स्पाइडरमैन की वेब्स भी हैं, पीछे की तरफ भी बड़ी अच्छी सी और वॉबल करता है क्योंकि ये एक फंको पॉप, तो बढ़िया है। चलिए इसकी डिटेलिंग को देख लेते हैं, मैं कैमरा एंगल चेंज करके आपको इसकी डिटेलिंग दिखाता हूँ। तो यहाँ पर है अपना स्पाइडरमैन जो कि लग रहा है बहुत ही अच्छा, तो आप इसको देख सकते हैं बड़ा ही अच्छा लग रहा है। मैं आपको उसको पास से भी दिखाता हूँ क्या बढ़िया इसमें डिटेलिंग दी गई है। उसकी आंखों में भी बड़े अच्छे से स्कल्प्ट किया गया है। यहाँ पर स्पाइडरमैन की पुरानी ओल्ड स्टाइल की बनी हुई मकड़ी जो कि उल्टी रहती थी, और यहाँ पर बढ़िया सेल शेडिंग, यहाँ पर पूरे में स्कल्प्टिंग दी गई है वेब की। वेविंग पे कलर नहीं दिया, फंको पॉप है तो ज़्यादातर तो कलर देते नहीं हैं वो लोग वेविंग पे। यहाँ पर है बढ़िया सी स्पाइडरमैन की वेब्स, माने बस उड़ने वाली वेब्स जो कि उसकी साइड आर्म्स में से निकलती हैं, इससे उड़ सकता है स्पाइडरमैन। और ये बढ़िया सा ट्रांसलूसेंट स्टैंड ही लग रहा है, बहुत ही अच्छा स्पाइडरमैन। मैं यहाँ से भी दिखा देता हूँ, चलिए इसको देख लेते हैं पीछे से भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे भी इसमें अच्छी डिटेलिंग दी गई है, बढ़िया सी वेब बनी, बढ़िया सी मकड़ी बनी हुई, पर ये मकड़ी एक्यूरेट नहीं है क्योंकि अमेजिंग फैंटेसी नंबर 15 में स्पाइडरमैन के पीछे जो मकड़ी बनी रहती थी वो लाइट ब्लू कलर की रहती थी, रेड कलर की बनाई है। मार्वल लेजेंड्स ने भी यही मिस्टेक करी थी जब उन्होंने अमेजिंग फैंटेसी का पहला वर्जन निकाला था, और दूसरे वाले में उन्होंने सुधार दी थी ये मिस्टेक। पीछे भी अच्छी स्कल्पटिंग दी गई है, बड़ा सा हेड, और ये मेरा फर्स्ट फंको पॉप है। फंको पॉप कलेक्ट नहीं करता पर पहली बार इसी को करा है स्पाइडरमैन का, क्योंकि ये बहुत बढ़िया लग रहा था और इसको मैंने खरीदा है 1500 रुपीज़ में ब्लू बलून टॉयस से, बढ़िया लग रहा है जी। चलिए अब इसका कंपैरिजन कर लेते हैं कुछ दूसरे फिगर्स के साथ। पर अमेजिंग फैंटेसी फंको पॉप स्पाइडरमैन के बगल में मार्वल लेजेंड्स क्लासिक स्पाइडरमैन। यहाँ पर रिव्यू खत्म होता है अपना फंको पॉप स्पाइडरमैन का। तो ये बहुत ही अच्छा फिगर लगा मुझे फंको पॉप का, ये मेरा पहला फिगर है फंको पॉप का, पर मुझे बहुत ही अच्छा लगा जी अमेजिंग फैंटेसी का स्पाइडरमैन। इसकी बहुत अच्छे से इसको रिजेम्बलेंस करता है कवर वाली फोटो को, तो मैं इसको रेटिंग देने जाऊंगा 10 out of 10। जो बहुत ही अच्छा फंको पॉप लगा, मैं और भी फंको पॉप लूंगा। अगर आप चाहते हैं और रिव्यू देखना फंको पॉप के तो कमेंट करके बता दीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बताइएगा कमेंट करके कि आपको फिगर में क्या पसंद आया, और शेयर कीजिएगा वीडियो को और बेल आइकन दबा दीजिएगा। और भी ऐसे एक्शन फिगर रिव्यू के लिए, टॉयज रिव्यू के लिए, फंको पॉप रिव्यू के लिए, गेमिंग वीडियोज़ के लिए और ड्राॅइंग शॉर्ट्स के लिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरी वन। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।